हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास। तो जैसे हमने साइन 2x, कॉस 2x और टेन 2x के फॉर्मूलास देखे थे, इसी तरह से अभी हम तीन नए फॉर्मूलास देखेंगे। फर्स्ट वन विल बी साइन 3x का फॉर्मूला, नेक्स्ट विल बी कॉस 3x का फॉर्मूला, एंड ऑन द सिमिलर लाइन्स थर्ड वन विल बी टेन 3x का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक एक करके इनको देखते हैं एंड वी हैव टू रिमेंबर देम। जैसे कि हमने बाकी फार्मूला याद किए, इनको भी आप एक पेज पे लिख के फार्मूला शीट बना लें और उसमें इनको लिख लें और फिर इसको रेगुलरली रिवाइज करें जब तक कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद नहीं हो जाते। तो साइन 3x का फॉर्मूला इज 3 sin x माइनस 4 sin 3x। ठीक है, 3 sin x माइनस 4 sin 3x। कॉस 3x का फॉर्मूला विल बी 4 cos 3x माइनस 3 cos x। अब देखो, इन दोनों को अगर ड्राइव करना हो तो बहुत इजी है। आप साइन 3x को साइन ऑफ 2x प्लस x लिख लो और फिर साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो तो ये इजीली आ जाएगा। लेकिन हमें डेरिवेशन में नहीं जाना है, हमें ये फॉर्मूलाज याद ही होने चाहिए। ड्राइव आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि कैसे ड्राइव करना है इनको। थर्ड वन इज टेन 3x का फॉर्मूला, जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है प्लस टू में भी, तो इसको भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा बड़ा है पर ये नहीं सोचेंगे कि इसको छोड़ देते हैं, इससे काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, दैट इज 3 tan x माइनस 3x ओवर 1 minus 3 tan square x। इन तीनों को आपको याद रखना है। अब आप कैसे याद करते हो ये आपके ऊपर है, मैं आपको एक दो हिंट दे देता हूँ। देखो, यहाँ पे 3 sin x है, यहाँ पे 3 cos x है, इधर 4 sin 3x, इधर 4 cos 3x। ठीक है, जब यहाँ पे 4 आ रहा है तो cos के क्यूब में 3 जा रहा है, cos के पावर में 3 जा रहा है और एक 3 इधर आ रहा है। तो इस तरह से आप एक कॉम्बिनेशन बना के इन दोनों को याद कर सकते हो। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, यू हैव टू क्रैम इट। ठीक है, तो इसकी मैं आपको अभी एप्लीकेशन बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos square x माइनस 1। अब दिखने में ये क्या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि यार ये cos 6x को इन cos की पावर 6x, cos की पावर 4x में कैसे स्प्लिट करेंगे। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3x वाला, तो ये बहुत इजी लगेगा। देखें, इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, cos of 6x, इसको लिख लिया cos of 3 into 2x। अब या तो ऐसे लिख लो, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं cos of 2 times 3x। अभी आपके ऊपर है आप कैसे प्रोसीड करो, एंड में आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, सो आई एम चूजिंग दिस नेक्स्ट वन। तो cos of 2 theta का फॉर्मूला मैंने पहले लगाया, दैट विल बी 2 cos square theta, थीटा इसमें क्या है 3x माइनस 1, इतना आ गया। अभी क्या करा, अब यहाँ पे cos 3 theta का फॉर्मूला लगा दिया, ये हमने ऊपर पढ़ा है cos 3 theta का फॉर्मूला, दैट इज 4 cos 3x माइनस 3 cos x, इसको यहाँ पे
इंसर्ट कर देंगे, तो ये बन गया 2 टाइम्स 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और इसका होल स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। सो 2 इंटू, यहाँ पे होल स्क्वायर को हम ओपन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा अपना 16 कॉस की पावर 6 एक्स प्लस बी स्क्वायर दैट इज 9 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू 3 दैट विल बी 24 कॉस की पावर 4x, और इधर आ गया माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 को एंड अपने पास सीधा आंसर आ जाएगा 32 कॉस की पावर 6x प्लस, ये वाली टर्म पहले लिख लेते हैं माइनस वाली क्योंकि इसकी डिग्री ज़्यादा है, तो माइनस 48 कॉस की पावर 4x और फिर यहाँ पे 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हमें प्रूव करना था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसमें हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कॉस ऑफ 5x इज इक्वल टू 16 कॉस की पावर 5x माइनस 20 कॉस क्यूब एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब आप इसको पिछले क्वेश्चन से अगर कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें इसको 2 टाइम्स करके तो नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे पिछले में हमने कॉस 6x को लिख लिया था 2 टाइम्स 3x, इसमें नहीं कर पाएंगे, तो इसको दूसरे मेथड से किया, 5x को ऐसे लिख लिया 3x प्लस 2x, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। और अब कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज कॉस a कॉस b माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। और इधर कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, दैट विल बी 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और इधर भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला, साइन नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे बिकॉज पूरे एक्सप्रेशन में हमें कभी आंसर में साइन नहीं चाहिए, तो कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला ही फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म रहेगी माइनस साइन 3x, साइन 3x का फॉर्मूला इज 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन अपने आप होता चलेगा, साइन 2x इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये अपना सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सारी टर्म्स को, ठीक है, इन दोनों को इससे और ये दोनों इस टर्म से मल्टीप्लाई होके बिल्कुल इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएंगे। देखिए 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स दैट गिव यू 8 कॉस की पावर 5x, इसको फिर 1 से किया तो माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव माइनस 6 कॉस क्यूब एक्स, एंड ये फर्स्ट टर्म, इसकी सेकेंड टर्म और इसकी सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो यू विल हैव प्लस 3 कॉस एक्स, राइट। इसके बाद यहाँ पे माइनस और इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनको देखो मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनेगा 6 साइन स्क्वायर एक्स और साथ में आएगा कॉस एक्स, और ये टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो यू विल हैव माइनस 8 साइन 4x और साथ में कॉस एक्स, ठीक है। और अब इस माइनस को भी अंदर ले जाएंगे और इनको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया अगले स्टेप में, तो 8 कॉस 5 को तो ऐसे ही रहने दिया, माइनस 4 और माइनस 6 ये बन गया माइनस 10 कॉस क्यूब एक्स प्लस 3 कॉस एक्स
और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास आया माइनस सिक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस एट साइन फोर एक्स कॉस एक्स। तो ये सिंपलीफाई होके इतना बन गया। अब हमें चाहिए क्या कि हम ये साइन नहीं चाहते यहाँ पे, ये साइन गायब हो जाए। साइन गायब हो जाएंगे तो आंसर सीधा कॉस में आ जाएगा। तो अगले स्टेप में अब हम साइंस को गायब कर देते हैं, बेसिकली इनको कोसाइन में चेंज कर देंगे। माइनस टेन कॉस क्यूब एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स माइनस सिक्स साइन स्क्वायर एक्स को अगर कॉस स्क्वायर में बदलना है तो यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये लास्ट टर्म में एट इंटू अंदर साइन स्क्वायर की पावर, साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है बेसिकली ये साइन की पावर फोर, तो इसको लिख लिया वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो अब सारी टर्म कॉस में आ गई। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वही टर्म बनेगी जो आपको प्रूव करनी है। तो एट कॉस फाइव एक्स माइनस टेन कॉस क्यूब एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स माइनस सिक्स टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स प्लस एट टाइम्स, इसका पहले तो स्क्वायर ओपन किया दैट विल बी वन प्लस कॉस फोर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में इधर आ गया इंटू कॉस एक्स। दिस सिंप्लीफाइज टू एट कॉस फाइव एक्स माइनस टेन कॉस क्यूब एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स। ये पहली तीन टर्म्स तो वही रह रही हैं अभी तक, अब चेंज होएंगे। यहाँ पे आएगा माइनस सिक्स कॉस एक्स प्लस सिक्स कॉस क्यूब एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर वाली टर्म से तो ये बन जाएगा प्लस एट कॉस एक्स, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई और साथ में एट से तो एट कॉस की पावर फाइव एक्स, और यहाँ पे बना माइनस सिक्सटीन कॉस क्यूब एक्स। अब जो जो टर्म ऐड हो रही है वो ऐड कर देंगे, एट और एट ये सिक्सटीन बन जाएगा, सिक्सटीन कॉस की पावर फाइव एक्स। उसके बाद ये टेन कॉस क्यूब एक्स और यहाँ पे सिक्स कॉस क्यूब एक्स है और फिर यहाँ पे सिक्सटीन कॉस क्यूब एक्स है, तो सिक्सटीन और टेन ऐड हुए 26 और सिक्स कम हो गए तो माइनस ट्वेंटी आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स। फिर कॉस एक्स वाली टर्म देख ली, आठ में से छः गए तो दो और दो और तीन पाँच फाइव कॉस एक्स। तो बस यही अपना आंसर आ गया, बेसिकली यही टर्म हमें प्रूव करनी थी। आप देख लो यहाँ पे वी हैड टू प्रूव दैट सिक्सटीन कॉस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी कॉस क्यूब एक्स प्लस फाइव कॉस एक्स के इक्वल आता है कॉस ऑफ फाइव एक्स की वैल्यू, और वही हमने प्रूव किया। थोड़ा सा लेंदी था बट एंड में आंसर इजीली आ गया अगर हमें सारे फॉर्मूलाज ध्यान में है।